हाय गाइज, मैं शांत हूँ। आप देख रहे टेक्निकल शॉन और स्टूडियो में आपका दूंगा टॉप 3 MIUI 11 प्रीमियम थीम। देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स मेक द वीडियो। तो अगर आप MIUI 11 के लिए प्रीमियम थीम सर्च कर रहे थे, सब थीम आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप उसका देखिए गूगल का फोल्डर, टूल का फोल्डर या होम स्क्रीन में, तो आपको ट्रांसपेरेंट वाइट ब्लैक एंड व्हाइट आइकन पैक मिलने वाला है। और अगर आप उसका देखिए स्टेटस बार, तो इसमें भी आपको ट्रांसपेरेंट ब्लैक एंड व्हाइट लुक पूरा मिलने वाला है। अनेबल की जगह तो आपको डार्क ब्लू देखने को मिल जाएगा स्टेटस बार में। और अगर आप बाकी कुछ देखिए, जैसे इसका सेटिंग का UI, तो सेटिंग का UI में भी आपको सिमिलर लुक मिलने वाला, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, व्हाइट कलर का फॉन्ट और आपका कलरफुल टॉगल्स आपको देखने को मिल जाएगा इसमें भी। और अगर आप उसका बाकी कुछ, जैसे कि आपका अबाउट फोन में जाएगा, तो सेपरेशन जो है थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया, ज़्यादा चेंज नहीं किया गया, बट जितना भी चेंज है आपका लुक तो चेंज हो जाता है इसमें फ़ोन का। और अगर आप बाकी कुछ देखिए, जैसे कि कनेक्शन एंड शेयरिंग में, तो उसका जो सेपरेशन का बटन है, सेपरेशन है थोड़ा बहुत चेंज इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। और एडिशनल सेटिंग में जाएगा, तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आपको जो है बटन का लुक जो है थोड़ा बहुत पिक्सल का, पूरा आपको पिक्सल जैसा देखने को मिल जाएगा। और बाकी कुछ देखिए, जैसे कि इसमें डायलर हो गया, तो डायलर में कुछ चेंजेस थोड़ा बहुत किया गया है, जो कि बहुत डार्क MIUI 11 का ही डायलर मिलने वाला है। और आपको मैसेंजर यहाँ पे भी सिमिलर आपको लुक मिलने वाला है। और अगर आप बाकी कुछ देखिए, तो इसमें उतना कुछ चेंजेस नहीं है, बट जो भी चेंजेस आपको आखिरी में सभी थीम्स में देखने को मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। और अगर आप उसका देखिए गैलरी में, तो गैलरी में भी आपको डार्क देखने को नहीं मिलेगा, बट जो भी है चेंजेस इंटरेस्टिंग है, बट गैलरी में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। और ऑब्वियसली कि मतलब अभी तक गैलरी बहुत ही न्यू है, तो इसके लिए अभी तक थीम डेवलपर कुछ सोचा नहीं होगा या बनाया नहीं होगा। और आपका सिक्योरिटी ऐप में भी कुछ नया नहीं देखने को नहीं मिलता, बट रिसेंट्स में देखिए तो आपको नया लुक आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप बाकी कुछ देखिए, जैसे कि इसको आप सिंपली इसका लॉक स्क्रीन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा। विजिट है आपका डेट एंड टाइम वाला, उसके बाद आपको स्टेप्स देख जाएगा, उसके बाद म्यूजिक, आपका लेफ्ट और राइट में आपको दो टॉगल्स और कैमरा का दिखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखिएगा स्वाइप टू अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलता है, तो ऑब्वियसली अगर आप स्वाइप कीजिएगा तो आपका अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा, पैटर्न आप डायरेक्टली डालिए और ओपन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये इंटरेस्टिंग थीम है। और अगर आपको देखना है दूसरा थीम, तो दूसरा थीम भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग आपका इसमें भी छुपा हुआ कुछ ना कुछ। तो ऑब्वियसली अगर आप उसका देखिए गूगल का फोल्डर, टूल का फोल्डर, होम स्क्रीन में, तो इसमें आपको अजीब आइकन मिल रहा है जो कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। और आपका जो स्टेटस बार देखिए, तो इसमें आपका MIUI 11 का डिफॉल्ट स्टेटस बार देखने को मिल जाएगा। और अगर आप बाकी कुछ देखिएगा, जैसे कि इसका सेटिंग हो गया, तो उसमें भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा थीम का नाम जानने के लिए, तो उसके लिए पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप जाइएगा इसका, तो मतलब डायलर हो गया, मैसेजिंग, तो सब में सेम लुक मिलने वाला, बट ऑब्वियसली इसका जो लॉक स्क्रीन है काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लुक देने वाला है। इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसमें आपको नया टाइप का लुक मिल जाएगा। और ऊपर अगर आप देखिएगा टाइम का विजिट, तो ये भी आपको न्यू टाइप का लुक पूरा मिलने वाला है। और अगर आप लास्ट थीम देखिए, तो इसमें भी आप पूरा चॉकलेट कलर का लुक मिलने वाला है। इसमें आपको ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का स्टेट, मतलब कि जो भी है व्हाइट कलर का आपको ट्रांसपेरेंट आइकन पैक मिल रहा है, गूगल का फोल्डर, टूल का फोल्डर। और अगर आप जाइएगा इसका बाकी, जैसे कि स्टेटस बार हो गया, तो स्टेटस बार में कुछ चेंजेस नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली सेटिंग में भी कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसे कुछ आपका ये थीम मिलने वाला। और अगर आप देखिएगा डायलर में या मैसेजिंग ऐप में, तो सेम लुक के साथ आपका सभी पूरा मतलब लुक है, बट इसमें भी आपको जो लॉक स्क्रीन है काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें भी मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली इसको भी आपको तीनों थीम को ट्राई कर लेना चाहिए। तो अगर आप उसका लॉक स्क्रीन देखिए, तो इसमें भी आपको डेट टाइम सेकंड आपको पूरा मतलब पूरा वॉकिंग में मिल जाएगा टाइम का जो ये है। और अगर आप उसका देखिएगा, तो लॉक का इसमें टैप कीजिएगा, तो आपका लॉक अनलॉक हो जाएगा फ़ोन। सब पैटर्न डालने का ऑप्शन या पिन डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग थीम है तीनों ही। तो अगर आपको डाउनलोड करना है, तो तीनों का ही मतलब आपको नाम लास्ट में तो बता ही नहीं वाला। तो ये है फर्स्ट आपका न्यूमेरिक स्टिंग प्रीमियम, जो कि अजीब सा नाम है, न्यूमेरिक मतलब स्टिंग प्रीमियम। तो मेरे से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन में, तो आप इसको मतलब आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं नाम डायरेक्ट सर्च नीचे, नहीं तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर सेकंड जो है bullseye space DWM2, तो जैसे आप bullseye space DWM2 सर्च कीजिए, तो ये आपको थीम मिल जाएगा, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिल जाता है थर्ड, तो थर्ड भी ऐसे आपको कुछ इंटरेस्टिंग, second space DWM2, तो जैसे ही आप सर्च कीजिएगा second space DWM2, तो सेकेंड स्पेस ऑब्वियसली आप सर्च कर लीजिए, तीनों का नाम आपको दिख गया। सिंपली आप सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप बेल आइकन टैप कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहे मेरे नए वीडियोज के साथ। और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ऐसा कैसा वीडियो चाहिए, सजेशन ऑब्वियसली काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए, तो जाइए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप तब तक मतलब चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, तभी आप जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैम द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।